कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा में माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसके बाद छात्राओं ने सरस्वती वंदना और छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत का गायन भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत गरियाबंद के सीईओ विनय कुमार लांघे, विशेष अतिथि डॉक्टर एकता लांघे और शिक्षाविद जितेंद्र नाहर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर विनय अग्रवाल ने की। ISBM विश्वविद्यालय द्वारा गत कई वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई प्रतिभाओं को गाँव तक सीमित न रखते हुए इसे संपूर्ण देश में आगे लाने निरंतर मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिससे वनांचल की प्रतिभा को निखारा जा सके। अतिथियों ने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि प्रत्येक छात्र स्वयं के लिए जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करें और उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। वहीं कार्यक्रम में छालीवुड कलाकार दिलेश साहू और हेमा शुक्ला की उपस्थिति ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया था। गणेश वंदना, समूह नृत्य के साथ प्रारंभिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सोलो और ग्रुप डांस, फैशन शो, गायन, नाटक, वाद्य यंत्र आदि विभिन्न विधाओं की मनमोहक प्रस्तुति देकर विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समूह द्वारा आंचलिक गीत की प्रस्तुति को दर्शकों की भरपूर सराहना मिली। साथ ही कई नई फिल्में गीतों, छत्तीसगढ़ी गीतों, अन्य राज्यों के लोकगीतों के साथ ही नृत्य में विद्यार्थियों ने धमाकेदार प्रस्तुति दी। फैशन डिजाइनिंग के विद्यार्थियों द्वारा डिजाइन किए गए परिधानों को पहनकर मॉडलों ने रैंप वॉक भी किया। कार्यक्रम के क्षेत्र में गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में पालकगणों ने रंगारंग कार्यक्रमों का भरपूर आनंद उठाया। विश्वविद्यालय में इस वर्ष आयोजित विभिन्न क्रीड़ा, साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर ISBM यूनिवर्सिटी के सभी संकायों से बेस्ट स्टूडेंट्स की घोषणा भी की गई। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मीडिया अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।